चलो, कहता हम लोग के पास दो बैटरी हैं, एक 18 वोल्ट की है और एक 12 वोल्ट की है, और इस बैटरी है, एक बैटरी है जिसमें दो सेल है, एक 18 वोल्ट का है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, अदर EMF 12 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कनेक्टेड इन द वोल्ट मीटर की रीडिंग। अब देखो, अगर दो बैटरी के क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दोगे तो ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या रीड करेगा? तो प्यारे बच्चों, जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का जो नेट EMF है, नेट EMF वो रीड करेगा, नेट EMF रीड करेगा, नेट EMF इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। क्लियर है? तो नेट EMF इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर, तो नेट EMF इसकी रीडिंग होगी। तो चलो यहाँ पे हम नेट EMF निकाल लेते हैं। वी हमें पहले से ही फार्मूला पता है कि अगर एक सेल है, वी ऑलरेडी नो, हमें पहले से फार्मूला पता है कि अगर इंटरनल EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये प्लस माइनस ये, तो नेट EMF फार्मूला हुआ, नेट EMF दैट इज E ओवर R और 1/R समेशन ऑफ दिस इज द नेट फार्मूला फॉर EMF। ये हम पैरेलल में, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद डिफरेंट EMF एंड रेजिस्टेंस, सेल्स आर इन पैरेलल। तो जब सेल्स पैरेलल में होते हैं प्यारे बच्चों, तो इस चीज को मैं लगाता हूँ। तो अगर यहाँ पर दो हैं तो दोनों के लिए ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? ये नेट EMF होगा। तो दो हैं तो दो के लिए ए EMF E1 और R1 प्लस EMF E2 R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, नेट EMF का ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा। तो EMF पहले की EMF 18 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, दूसरे की EMF 12 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, डिवाइड कर दूं 1/2 प्लस 1/1 ये, ठीक है, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा 9 प्लस 12 एंड डिवाइडेड बाई 3 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर चला गया, ठीक है, 9 और ये 1/2 और ये आ जाएगा 9 और 8/12 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 7 टाइम्स दैट इज 14 वोल्ट नेट EMF है। तो 14 वोल्ट इज द नेट EMF एंड दिस विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। तो 14 वोल्ट इसका नेट EMF है और ये 14 वोल्ट नेट EMF है और ये इसकी रीडिंग होगी।